दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग में अगर अच्छा नाम करना है और अच्छे पैसे कमाने हैं और अपनी कमाई को बढ़ाना है तो हर टेक्नीशियन से मैं कहूँगा कि जुड़ें इसे टेलीकॉम से और अपना बेहतर फ्यूचर बनाएं, आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। आज हमने मोबाइल का बहुत बढ़िया पार्ट सीखा जी, कि मोबाइल का ट्रेसिंग कैसे करते हैं बिना वॉर्निंग के। अच्छा, सही है। क्या क्लास थी आज हमारा? सारा क्लास थी आपका आईसी ट्रेसिंग का क्लास थी। हाँ, सर ने सिखाई। हाँ, ट्रेसिंग करना सिखाई। हाँ, बहुत मजा आया था आज के क्लास। तो आपने आईसी उठा के बेड लाइन चेक करी, प्रैक्टिकल चेक लाइन की, कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत मजा लगा। आपने डायग्राम भी निकाल के बनाया उसका? डायग्राम भी निकाल के बनाया, और जो सर ने जो ट्रिक खुला ना, तो डायग्राम की जरूरत नहीं होती। ऐसा ऐसा है सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मजा आया था। ऑल द बेस्ट। मजा आएगा ना, वैसे टेलीकॉम का सारा कोई इंस्टीट्यूट में मजा नहीं आएगा। कनेक्टर की पूरी लाइन कहाँ जाती है, कैसे वर्क करती है, कितने उसमें फिल्टर आते हैं, सब चीज़ का फ्रीक्वेंसी से कैसी रहती है, उन्होंने सब चीज़ को इतना क्लियर बताया है कि हम उसको कभी भूल नहीं सकते। आपने यहाँ है प्रैक्टिकल में आपने काम किया उसका? हाँ, प्रैक्टिकल उसी लाइन को पूरी ट्रेस करी आपने? पूरा उसी लाइन को ट्रेस किया। ठीक है, पूरा सब आपका क्लियर हुआ डाउट? पूरा क्लियर है सर। चलिए, क्या बोलेंगे आप देव सर के लिए, अगर एक शब्द में बोलूँ तो? देव सर उनकी तो एनर्जी इतनी है कि हम लोग थक जाते हैं, उनकी एनर्जी कम नहीं होती, उनकी एनर्जी बहुत हाई है और इतने सरल तरीके से समझाते हैं किसी भी चीज़ को कि जिनको एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में वो भी आएगा, उसके लिए भी वो आसान है। आप देख सकते हैं ऑन हो गया। चलिए ठीक है, कैसा लग रहा है आपको ये सब करके? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। आप प्रो लेवल का काम कर रहे हैं, आज आपको चौथा दिन है प्रो लेवल का काम कर रहे हैं, कोई से भी एनसेट की आईसी उठा रहे हैं, वहाँ पे आप बीएसआई का पॉइंट ट्रेस कर रहे हैं, सरम का पॉइंट ट्रेस कर रहे हैं, आपको मिल रहा है, आपको रीडिंग मिल रही है, बीच में क्या कंपोनेंट है, सीरीज का कंपोनेंट क्या है, पैरेलल का कंपोनेंट क्या है, कौन सा रजिस्टर है, क्या वैल्यू का है, सारी जानकारी आपको हो रही है। जी सर। और आप इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी डिजाइन कर रहे हैं आप? जी सर। ये इस लेवल का इतने कम समय में कैसे संभव है भाई? जी सर, यहाँ ऐसे टेलीकॉम में सब संभव है। तो आप फेक रिव्यू तो नहीं दे रहे? नहीं सर। राजस्थान वालों को भटका तो नहीं रहे जबरदस्ती का रिव्यू देके? नहीं, सेट बता रहा हूँ सर, अभी निकाला मैंने, आधा घंटे में पूरा हो गया था। सर के सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, बहुत कुछ आज बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिला। अच्छा, जिसके हम लोग को उम्मीद नहीं करके आए। अच्छा, उस लेवल का हम लोग को क्लास मिला सर। और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल की क्लास में क्या किया? प्रैक्टिकल में क्लास में आके सर, उस जहाँ से बी एस पॉइंट जहाँ का शुरू होता है, जहाँ से शुरू होता है, जहाँ उसका एंड होता है जी, वहाँ पे उसका हम लोग ट्रेस किया। हाँ, अपना कॉपी में स्कीमेटिक डायग्राम बनाया। ठीक है, उसका हर एक कितना वोल्ट का है, कितना ओम के का है, ये सारा हम लोग लिख बाय 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 वोल्ट पकड़ के वहाँ पे लिखते गया, और उसका पॉइंट जहाँ पावर आईसी के अंदर से जो पॉइंट है उसके जहाँ चेक किया कंडीटी। अगर आपके पावर आईसी में अगर पानी चले जाएगा या रेस्ट हो जाएगा या पेट खराब हो जाएगा तो आप उसको डायरेक्ट माइक्रो जंपरिंग करके कर सकते हैं? क्या सर, कर सकते हैं सर। अच्छा लगा सर, तो देव सर के लिए बोल मैं बोल रहा हूँ कि जैसे सर टिकट के लिए सचिन तेंदुलकर भगवान है, ऐसे ही सर मैंने देव सर इस मोबाइल रिपेयरिंग जो फील्ड है उसमें टीचिंग के लिए और नॉलेज के लिए भगवान है। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर है तो मोबाइल का भगवान देवरतन अग्रवाल सर। हाँ, कैसा लग रहा है उनके, आपको कैसा लग रहा है उनके साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, मैंने बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सर का जो नॉलेज है ना सर, उसके लिए एकदम मन से उनके ऊपर रेस्पेक्ट कर रहे हैं। उसमें जो फॉल्ट रहते हैं, फॉल्ट की जानकारी वो बहुत सेकंड में ही पता चलते हैं एक ही बात में। और आज मैंने CPU और पावर आईसी को दोनों निकाल के लगाया और फर्स्ट टाइम में ही चालू हो गया। कैसा लग रहा है भाई इस प्रो लेवल का काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले तो डर लगता था, अभी तो डर नहीं लगता, अभी तो चौथा दिन है। आप PSI तक चले गए, DC to DC IG तक चले गए, आप CPU निकाल के लगा रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो, है ना, मतलब किस लेवल का सीख रहे हो? पहले तो बहुत डर लगता था आईसी को टच करने में, छूने में, कभी निकालो या रहने तो टेढ़ हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी आईसी मिले फटाफट निकालो लगाओ। क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई स्टूडेंट अगर ऐसे टेलीकॉम आता है तो? आ सकता है बिंदास सिंह पैसा वसूल। हाँ, देव सर के साथ हम लोगों ने बैटरी कनेक्टर से रिलेटेड पूरा जानकारी ली है, और उसके बाद प्रैक्टिकल में हम लोग पूरा एंडलेस ट्रेसिंग किए बैटरी कनेक्टर। कैसा लगा आपको? मतलब बहुत बढ़िया लगा। आपने बैटरी कनेक्टर से लेके तो आईसी के पेट तक पूरी आईसी को उठा के आपने निकाल के लगा के एक एक चीज की एक एक कंपोनेंट की ड्रेसिंग लिख दी थी। जी सर, जी उसका डायग्राम भी बनाया आपने? डायग्राम बनाया। कैसा लग रहा है सब? बहुत बढ़िया। इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर। मेरा नाम सागर शुक्ला, मैं MP सतना से हूँ जी, और आज सुबह से DTHM और BSI क्लास जिसमें कि पूरा हैंडलेस सिखाया गया, ऐसा कोई कंपोनेंट उसके रिलेटेड नहीं होगा,
जिसको हम लोग ट्रेस ना कर पाए सर। आपने आईसी का पेट तक उठाया जी सर? आईसी का पेट को चेक किया आपने? आईसी उठा के चेक किया सर? और मैं अभी चेक भी करा सकता हूँ अगर आपको फायदा हो तो। हाँ ये लोगो कैसे होता है ये सब बता दिया की थर्मल से बी एस आई से होता है और बी एस आई किस आई सी में जाता है कहाँ से आउटपुट इनपुट वोल्टेज जी आर कैसे होता है फर्स्ट और सेकेंड दोनों आपको ये नॉलेज है। अगर आपका कॉलकॉम का सीपीयू है तो आपकी बी एस आई कहाँ जाएगी? एम टी के का सीपीयू तो कहाँ जाएगी? एकदम सर पूरा 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 परफेक्ट आपको पता है जी सर। पहले तो अनाड़ी था आज मैं खिलाड़ी हो गया हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट। देव सर ने दिया था जी वन ऑफ दी बेस्ट ट्रिक था जो सर का समझने का तरीका जो वन ऑफ द बेस्ट था जी। और इतनी बारीकी से समझाए कि हम बोल नहीं सकते तो ये रिव्यू आपको खुशी हो रही है अंदर उससे दे रहे हो रिव्यू मतलब जबरदस्ती? नहीं नहीं खुशी हो रही है। खुशी हो रही है आपने ये काम किया है आज। अगर बी एस आई और मीतरम की क्लास थी आपकी बैटरी की अगर आपकी क्लास थी तो आपने एंडलेस सॉल्यूशन आपके हाथ में आया दिया। और मेहनत कितने घंटे करते हो आप? मेहनत सुबह 8 बजे से शाम तक 10 बजे तक। 10 बजे तक हाँ। कैसा किस लेवल पे आपने कभी मेहनत किया है? नहीं नहीं इस लेवल तक अभी तक काम कभी नहीं। तो आज जो आप जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हो तो अपने जीवन में अपनी दुकान पे जाके उतनी मेहनत करोगे आप? मेहनत करोगे? मेहनत के बिना कुछ मिलता है? नहीं नहीं मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। आज फाइनली आपसे मैं एक रिव्यू लेना चाहूंगा कि आज आपकी बी एस आई बी थर्म और बैटरी टेम्परेचर की क्लास थी आपको कैसी लगी क्लास आपको? एकदम जबरदस्त लगी। कैसा पढ़ाया सर ने आपको? थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा मिला। प्रैक्टिकल जैसा मिला जैसा दिमाग में पूरी तरह से फिट हो गया। कैसा लग रहा है सब करके आप? बहुत आपने अच्छा जानकारी मिली। आपने आईसी का पेड़ उठा के पूरा चेक किया एक ना एक बॉल कोई किसी प्रकार का डाउट? नहीं नहीं किसी प्रकार की शंका? नहीं नहीं कोई है। चलिए मैं बात तुम्हारी नहीं कर रहा हूँ पूरी क्लास की कर रहा हूँ। किसी को कोई शंका नहीं किसी को नहीं सोल्यूशन है। आज हमने फोन का पूरा स्टार्टिंग से बैटरी कनेक्टर से पावर आईसी सीपीयू तक का सारे कनेक्शन वी बैच वी थर्न एस वाई एस वी पी एच सारे कनेक्शन के ट्रिक जाने कौन से ट्रैक कहाँ जाते हैं ये भी जाने और प्रैक्टिकल भी किया ठीक तरीके से। VPH का सर्किट पूरा दिमाग में छपा कि नहीं कि कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है पूरी तरह से एंडलेस जी सर एंडलेस तरीका पूरा एंडलेस तरीका है ये सर। तो आज मैं BSI और बी थर्म की बात करूँ आपसे तो आपने अभी प्रैक्टिकल क्लास में उसकी आईसी उठा के पैड लाइन चेक की? जी सर पैड लाइन बनाई नोटबुक पे ही। मैं बोलूंगा कि आपका बैटरी कनेक्टर से अगर आपकी आईसी तक सारे अगर पैड लाइन के जितने भी कंपोनेंट है सारे अगर निकाल के कोई लेके आ जाए तो आप बना पाओगे कि नहीं सर? पूरा आईसी का ट्रेस भी खोल जाए BSI का तो आप बना सकते कि नहीं? जी सर 100%। आपको मालूम है कि कौन से नंबर की आईसी की बॉल आपको कितना आता है आईसी को? जी सर आईसी की काउंटिंग आती है? खुद बनाई है आज सर। खुद बनाई है आपने? जी सर। कैसा लग रहा है सब? बहुत खुशी हो रही है। इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर ये का मतलब नंबर वन पैसा फुल वसूल।
जी सर। और बधाई आपको, किसकी बधाई? आपने सबने सीपीयू लगाया? यस सर। लगाया ना? यस सर। कोई ऐसा बाकी है क्या? नो सर। आपने ड्रेसिंग क्या समझ में आया आपको? जी सर, एक एक चीज समझ में आई। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं सर? उसका लाइव प्रैक्टिकल करा आपने? लाइव किया सर, यहाँ आके पावर ऐसे निकाल के उसको पैड लाइन पूरी चेक करी आपने? कौन से पैड पे बीएसआई की लाइन आ रही है, थ्रम की लाइन आ रही है, आपको पता है? कैसा लग रहा है सब करके? अच्छा लग रहा है। आज हमारे देव सर के साथ क्लास थी, उन्होंने अच्छे से मतलब हर चीज को समझाया जी। तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से समझाया, वो टीचर है, उनका काम समझाने का है और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने का। तो आपको आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, पूरा आया समझ में। तो आपने उसी चीज का जो समझ किया है उसका आपने आपके ऑन बोर्ड पे आपने प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल करने के बाद क्या मिला आपको? बढ़िया रिजल्ट मिला, अच्छा मिला और मतलब पूरी जानकारी मिली है। आज आईसी के और बैटरी के कनेक्टर के पूरी जानकारी देव सर ने दी है। अच्छा। और सीपीयू जो आईसी के पावर आईसी के अंदर का जो पैड होता है वो पैड। तो आपने आईसी उठाई, आपकी पावर आईसी उठाई आपने? यस सर, उठाई। उसमें आपको मिला वो? यस सर। पूरा कनेक्टिविटी लिया आपने? यस सर। कंपोनेंट चेक करा? यस सर। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं सर? चलिए ठीक है सर। आज हमने आईसी उठा के उसका पूरा रिव्यू लिया, एक एक कंपोनेंट की जांच की। अभी कोई फंसने वाला काम है क्या तुमको? बताओ मेरे को, एंड शुरू से लेके बैटरी कनेक्टर से लेके आईसी के पेड तक आपको जानकारी मिली कि नहीं? सब मिली। कितने वोल्टेज आते हैं, कहाँ जीआर आता है, सारा हमने चेकिंग किया आज सर। आपको मिला पूरा? पूरा। आपने उसका डायग्राम भी बनाया? यस सर। कैसा लग रहा है काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। जी आज सर बीटीएस, बीबैट और बीएसआई, बीथर्म सारा सर प्राइम देव सर क्लास जी, जी। और लास्ट में सर एक जादू सिखाया है जिसका जिसको निंजा टेक्निक कहते हैं। निंजा टेक्निक बोलते हैं सर। क्या बोलेंगे उनके टेक्निक के लिए? बहुत मस्त। आप सब क्या बोलेंगे टेक्निक के लिए? तो ये सब काम मिल सकता है आपको? और प्रैक्टिकल किया आपने? जब देव सर की क्लास है तो यहाँ प्रैक्टिकल किया? सारा। प्रैक्टिकल में कोई डाउट, किसी प्रकार की शंका? आपने एक एक चीज चेक किया? पेड लाइन चेक किया? आपने डायग्राम बनाया? आपकी कॉपी में है? चलिए थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम सागर शुक्ला, मैं एमपी सतना से हूँ जी। और आज सुबह से बीथम और बीएसआई की क्लास थी जिसमें कि पूरा हैंडलेस सिखाया गया, ऐसा कोई कंपोनेंट उसके रिलेटेड नहीं होगा जिसको हम लोग ट्रेस ना कर पाए सर। आपने आईसी का पेट तक उठाया? जी सर। आईसी का पेट को चेक किया आपने? आईसी उठा के चेक किया सर। और मैं अभी चेक भी करा सकता हूँ अगर आपको टाइम हो तो। हाँ ये मैं बनाया हूँ, ये आप जैसा देख सकते हैं। ये इस लेवल का ये स्केमेटिक आप बना रहे हो, मैनुअल स्केमेटिक बना रहे हो, तो मतलब कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा सर। ये सब करते थे क्या पहले? नहीं नहीं सर। है नहीं सर। चलिए ठीक है। अरुण, मैं लखनऊ से हूँ। आज वी बैट सप्लाई हो गया, बी थर्म्स हो गया और बी एस आई हो गई, और मैंने ये सब सीखने के बाद इसका पैड भी बनाया हमने। अच्छा। आईसी हटा के, पावर आईसी हटा। कैसा लग रहा है ये सब काम करते? बहुत हेडलेस लेवल का लानो जी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको सर? आपने प्रैक्टिकल करा इसका यहाँ पर? यस सर। आईसी का पेड़ उठाया? यस सर। बैटरी कनेक्टर से आप आईसी तक आप गए हैं उसके अंदर? यस सर। है ना? यस सर। आपको ये भी मालूम है कि आपकी बीएसआई की लाइन सीपीयू में कौन से मॉडल में सीपीयू में जाती है, कौन से सीपीयू में है ना? यस सर। कब सीपीयू में जाती है, कब पावर में जाती है, कब पीएमआई में जाती है, पूरा आइडिया आपको? यस सर, ये पूरा आइडिया। सर्किट वन सर्किट टू? यस सर। है ना, ये केवल एशिया टेलीकॉम में सर्किट वन सर्किट टू है ना? सबसे बढ़िया चीज है निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक कैसी लगी उसके लिए सर? क्या बोलेंगे देव सर के लिए एक शब्द में? सर एकदम, मतलब जिस हिसाब से लोगों ने सोचा है एकदम हटके, मतलब जो काम एक दो घंटे में होता है वो समझ लीजिए निंजा टेक्निक से 10 मिनट के अंदर। घंटों काम मिनटों में। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। के सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, बहुत कुछ आज बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिला। अच्छा। जिसके हम लोग को उम्मीद नहीं करके आए। अच्छा। उस लेवल का हम लोग को क्लास मिला सर। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल की क्लास में क्या किया? प्रैक्टिकल में क्लास में आके सर उस जहाँ से बी एस पॉइंट जहाँ का शुरू होता है, जहाँ से शुरू होता है और जहाँ उसका एंड होता है जी, वहाँ पे उसका हम लोग ट्रेस किया। अपना कॉपी में स्टेमेटिक डायग्राम बनाया। ठीक है। उसका हर एक कितना वोल्ट का है, कितना ओम के का है, ये सारा हम लोग लिख बाय 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 फोल्ड पकड़ के वहाँ पे लिखते गया। और उसका पॉइंट जहाँ पावर आईसी के अंदर से जो पॉइंट है उसके जहाँ चेक किया क्वांटिटी। अगर आपके पावर आईसी में अगर पानी चले जाएगा या रेस्ट हो जाएगा या पेट खराब हो जाएगा तो आप उसको डायरेक्ट माइक्रो जंपरिंग करके कर सकते हैं? क्या सर कर सकते हैं? सर मनोज कुमार बिहार से। आज देव सर के साथ बीएसआई थर्म और बैटरी की इरर, चार्जिंग की इरर, ये मतलब लोगों कैसे होता है ये सब बता दिया कि थर्म से बीएसआई से होता है और बीएसआई किस आईसी में जाता है, कहाँ से आउटपुट इनपुट वोल्टेज जीआर कैसे होता है,
फर्स्ट और सेकंड दोनों। मनोज आपको ये नॉलेज है, अगर आपका कॉलकॉम का सीपीयू है तो आपकी बीएसआई कहाँ जाएगी, एमटीके का सीपीयू तो कहाँ जाएगी, आरओ का सीपीयू तो कहाँ जाएगी? एकदम सर, पूरा 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 परफेक्ट आपको पता है। जी सर, पहले तो अनाड़ी था, आज मैं खिलाड़ी हो गया हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया। चलिए ठीक है, कैसा लग रहा है आपको ये सब करके? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। आप प्रो लेवल का काम कर रहे हैं, आज आपको चौथा दिन है, प्रो लेवल का काम कर रहे हैं, कोई से भी एनसेट की आईसी उठा रहे हैं वहाँ पे आप बीएसआई का पॉइंट ट्रेस कर रहे हैं, थर्म का पॉइंट ट्रेस कर रहे हैं, आपको मिल रहा है, आपको रीडिंग मिल रही है, बीच में क्या कंपोनेंट है, सीरीज का कंपोनेंट क्या है, पैरेलल का कंपोनेंट क्या है, कौन सा रजिस्टर है, क्या वैल्यू का है, सारी जानकारी आपको हो रही है। जी सर। और आप इसका स्केमेटिक डायग्राम भी डिजाइन कर रहे हैं आप। जी सर। ये इस लेवल का इतने कम समय में कैसे संभव है भाई? जी सर, यहाँ ऐसे टेलीकॉम में सब संभव है। आप फेक रिव्यू तो नहीं दे रहे? नहीं सर। राजस्थान वालों को भटका तो नहीं रहे जबरदस्ती का रिव्यू देके? नहीं, सेट बता रहा हूँ सर, अभी अभी निकाला मैंने, आधा घंटे में पूरा हो गए थे। बीएसआई और थर्म का चैप्टर पढ़ा जी, जो एक नेट ट्रिक के साथ और एक निंजा टेक्निक भी सीखने को मिला। अच्छा। देव सर के हिसाब से बहुत अच्छा था निंजा टेक्निक, जैसा ट्रिक है कि जिसमें टाइम की बचत होती है और उसमें जो फॉल्ट रहते हैं फॉल्ट की जानकारी वो बहुत सेकंड में ही पता चलते हैं एक ही बार में। और आज मैंने सीपीयू और पावर आईसी को दोनों निकाल के लगाया और फर्स्ट टाइम में ही चालू हो गया। कैसा लग रहा है भाई ये स्कूल लेवल का काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले तो डर लगता था, अभी तो डर नहीं लगता। अभी तो चौथा दिन है, आप बीएसआई तक चले गए, डीसी टू डीसी आईसी तक चले गए, आप सीपीयू निकाल के लगा रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो, है ना, मतलब किस लेवल का सीख रहे हो? पहले तो बॉर्डर लगता था आईसी को टच करने में, छूने में, कभी निकालो या रहने तो डेड हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी आईसी मिले फटाफट निकालो लगाओ। क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई स्टूडेंट अगर एशिया टेलीकॉम आता है तो? आ सकता है बिंदास, एकदम पैसा वसूल। सर बहुत बढ़िया, एक चीज समझाए आप, सारे टाइप के सीपीयू आते हैं उसमें समझाए। हम मॉडल वाइज पढ़ते हैं क्या? हम मॉडल वाइज नहीं पढ़ते, हम सीपीयू वाइज पढ़ते हैं सर, है ना। तो आपने सारा ट्रेसिंग किया है? यस सर। आपको पूरी पेड लाइन आपने आईसी उठा के पेड लाइन चेक करी है? यस सर। शेख महाराष्ट्र से जी, तो सी बोलिए महाराष्ट्र से। आप जनता देख रही है, आपने क्या सीखा, क्या बताया, पढ़ा यहाँ पर, आज चौथा दिन है आपको, आपने क्या हासिल करा है सर? बहुत कुछ हासिल किया सर, चौथे दिन के क्लास में देव सर के साथ सवेरे वी बैट बी एस आई और बी थम के क्लास था। आपने सी पी यू और पावर आई सी कितनी बार लगाया? बहुत बार लगा सर, गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, इतनी बार लगा। हैंड स्किल, अभी हैंड स्किल की बात करूँ तो अभी आपका हैंड स्किल कैसा? एकदम स्मूथ। और अभी लाइन की बात करूँ जो आपको देव सर ने पढ़ाई है आज की लाइन की, जो आपको नॉलेज दिया है आपको, तो वो एंडलेस सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला आपको? मिला है। आपने आई सी का पेड उठा के चेक किया है? आपने चेक किया सर। सही है। क्या क्लास थी आज हमारा? सारा क्लास थी आपका आई सी ट्रेसिंग का क्लास थी। हाँ, सर ने सिखाई, ट्रेसिंग करना सिखाई। हाँ, बहुत मजा था आज के क्लास। तो आपने आई सी उठा के पेड लाइन चेक करी प्रैक्टिकल क्लास? चेक लाइन की। कैसा लगा आपको? जब बहुत मजा लगा। आपने डायग्राम भी निकाल के बनाया उसका? डायग्राम भी निकल के बनाया, और जो सर ने जो ट्रिक मिला ना, वो डायग्राम की जरूरत नहीं होती। ऐसा ऐसा है सर की? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मजा आया। ऑल द बेस्ट। जो मजा आएगा ना, वैसे टेलीकॉम का सारा कोई इंस्टीट्यूट में मजा नहीं आएगा। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ जी। तो सर मेरा आज सुबह क्लास हुआ था बीएसआई और बीटेम का क्लास हुआ था, उसमें उसका मैं ट्रेसिंग भी सिखाया जब सर ने, और निंजा टेक्निक सिखाया है ट्रेसिंग करने का जी। हाँ, तो बहुत अच्छा। आज हमने मोबाइल का बहुत बढ़िया पार्ट सीखा जी, कि मोबाइल का ट्रेसिंग कैसे करते हैं बिना वॉर्निंग के। अच्छा, कैसा लग रहा है सब काम करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सीपीयू का लेवल आपका मतलब हार्ड वर्किंग, मतलब हैंड स्किल का बात करूँ मैं तो, सीपीयू का निकालने लगाने में, रिकॉलिंग करने में, पावर आईसी लगाने में, किसी प्रकार का कोई हेडी जैसे नहीं, 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 कोई तकलीफ नहीं सर? नहीं सर, पूरा नीड है आपका हैंड स्किल? जी सर। और आज आपकी लाइन ट्रेस करने की क्लास थी और बी एस आई बी थर्म की क्लास थी, तो आपको उसके अंदर नॉलेज भी दिया गया कि आपका एंडलेस सॉल्यूशन क्या है उसका। तो आपने वो क्लास में आके यहाँ पे प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? जी सर किया। आईसी का पेड लाइन आईसी उठा के किया आपने? जी सर। पूरा पेड लाइन चेक करा? जी सर। चलिए ठीक है, कैसा लग रहा है सब करके? बहुत बढ़िया सर। इसके ऊपर कुछ है क्या बताइए मेरे को? इसके ऊपर ऊपर कुछ है? इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये एंडलेस सॉल्यूशन है। एंडलेस सॉल्यूशन है जी सर। सर आज काम करके बहुत अच्छा लगा, एक नया कुछ सीखने को मिला, हर दिन नई चीज मिल रही। हाँ। एक ना एक दिन नई चीज के साथ हम भी इधर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद जोश कैसा है आपका ये बताओ? जोश मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देखो एकदम हाई लेवल का है। हमने फोन का पूरा स्टार्टिंग से बैटरी कनेक्टर से पावर आईसी सीपीयू तक का सारे कनेक्शन, वी बैट वी थर्म एसवाईएस वीपीएच सारे कनेक्शन के ट्रिक जाने, कौन से ट्रैक कहाँ जाते हैं ये भी जाने, और प्रैक्टिकल भी किया ठीक तरीके से।
VPH का सर्किट पूरा दिमाग में छपा कि नहीं कि कहां से निकलता है और कहां जाता है? पूरी तरह से एंडलेस। जी सर, एंडलेस तरीका, पूरा एंडलेस तरीका है ये सर। तो आज मैं BSI और BTHRM की बात करूं आपसे, तो आपने अभी प्रैक्टिकल क्लास में उसकी IC उठा के पैड लाइन चेक की? जी सर, पैड लाइन बनाई नोटबुक पे ही। मैं बोलूंगा कि आपका बैटरी कनेक्टर से अगर आपकी IC तक सारे अगर पैड लाइन के जितने भी कंपोनेंट है सारे अगर निकाल के कोई लेके आ जाए तो आप बना पाओगे कि नहीं? सर, पूरा IC का ट्रेस भी खुल जाए BSI का तो आप बना सकते हैं कि नहीं? सर, 100%। आपको मालूम है कि कौन से नंबर की IC के बॉल आपको कितना आता है IC को? जी सर, IC की काउंटिंग आती है? खुद बनाई है आज सर। खुद बनाई आपने? जी सर। कैसा लग रहा है सब? बहुत खुशी हो रही है। इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर, ये मतलब नंबर वन पैसा फुल वसूल।